इंटरप्लेनेटरी ट्रेवलिंग पॉसिबल है, पॉसिबल है बट मैकेनिकल प्रोसेस से नहीं। आप भगवद गीता खोल के देखिए, भगवान उसमें बोलते हैं भगवद गीता 9.25 में कि जंति देव वृता जनता पितृ पितृ जंति पितृ देवा, कि एक व्यक्ति अगर मून में जाना चाहता है तो मून की उपासना करे, अगर सूर्य लोक में जाना चाहता है तो सूर्य की उपासना करे। और एक श्लोक में और भगवान इस चीज़ को जो है डिटेल में बताते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावा त्यजति अंते कले ब्रह्म तम तम एवती कौन्तेया सदा तद भाव भाविता, कि व्यक्ति मरते हुए जिस चीज़ का स्मरण करेगा उसी चीज़ को वो प्राप्त करेगा। तो कितना सिंपल है इस चीज़ को समझना, मगर भक्तों के लिए ये चीज़ समझने के लिए समझने की है कि हमारे शास्त्रों में जो है सब कुछ दिया हुआ है और उसका एक माध्यम भी बताया हुआ है कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो हमें उस चीज़ के ऊपर, हम मॉडर्न साइंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं हाँ, मगर हमें अपने स्क्रिप्चर्स को भी थोड़ा सा खोलकर पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि उसमें क्या बताया गया है।